हाँ तो भाई एक ज़बरदस्त चीज़ अभी पता चली कि यहाँ पे अगर रात को 8 बजे से ऊपर होते ही लड़कियों को कैंपस में घूमना अलाउ नहीं है। आदित बोल दो इनको कि 8 बज गया है, अंदर जाए। तो फाइनली हम सब गाड़ी में हो गए लोड, और अब कहाँ जा रहे हैं हम, कौन से ब्लॉक में? जी ब्लॉक। जी ब्लॉक गर्ल्स ब्लॉक तो नहीं है? नहीं सर, बॉयज गर्ल्स दोनों। तभी तभी गाड़ी में सब बैठ गए जो उसके साथ है। बाबा का बुलडोजर आ गया। सही बात है भाई, चाय सुट्टा बार आ गए हैं। किस किस के खाते खुलते हैं यहाँ पे? है भाई बता। अभी ये बाइक रेंट पे मिलती है सर? इधर बाइक भी रेंट पे मिलती है। और क्या चाहिए यानी कि डाइवर्जन के लिए सब सुविधा है। बस अब तुम रैंक निकाल के दिखाओ, ये सब रोकने के लिए बैठे हैं। हाँ तो अभी हम कौन से चौराहे पे आ गए? ये है पीएमसी बोलते हैं इसको। अच्छा कौन सा? पीएमसी फुल नेम है पिया मिलन चौराहा। हेलो तो फिलहाल अभी हम एलन के सेंटर के बाहर आ गए हैं। ये हमारे बैक साइड में सेंटर है और अब हमें कौशल लेके चल रहे हैं। कौशल ये ना भी ना कौशल हाँ, तो अब हम चल रहे हैं इनके साथ। सामने ये कोरल पार्क है, बस रोड के जस्ट सामने ये सोसाइटी आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो चलें फिर। यस लेट्स गो। तो ये हम अभी एलन की बिल्डिंग के सामने वाली रोड पे आ गए हैं और अब हम टर्न ले रहे हैं लेफ्ट साइड में, यानी कि जस्ट अपोजिट में, और ये है कोरल पार्क। सही है यार, ये तो पूरा डेवलप हो गया है एकदम, जैसे वैसे होता है ना, जैसे मिनी दुबई है सर। मिनी दुबई। दुबई बुर्ज खलीफा तो देख लिया, दुबई देख लेते। अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मिनी दुबई है। कोटा का बुर्ज खलीफा देखा है आ जाए। अच्छा ये कोरल पार्क का गेट है, ये आपका आ गया गेट। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट। यस सही है भाई। तो यानी लीडर्स को डाइवर्ट करने के लिए भी पूरा वो कर रखा है जुगाड़। यस सर, हर एक सुविधा है। तो यानी कि अर्जुन बनने के लिए भैया बहुत सारी यानी बहुत बड़ी तपस्या चाहिए, धैर्य चाहिए। यस सर, ऐसे नहीं बन सकते आप। ये तो पूरा दिल्ली बना रखा है भाई माहौल में। मिनी दुबई है। तो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं कोरल पार्क सिटी के सेंटर पे, और यार सब कुछ है यहाँ, एक से एक मॉल, एक से एक कॉफ़ी कैफ़े, सब कुछ। और यहाँ पर बच्चे खेलते हुए भी हैं। चलो दिखा देते हैं आपको कबड्डी। अच्छा माहौल है यार, पढ़ाई के साथ अच्छा सब कुछ। हाँ भाई, तो यार पूरा कैंपस बना के रह रहे हो आप लोग हैं? नहीं मुझे तो अब ये मिनी दुबई तो चलो स्टार्टिंग में वो कैफ़े और मार्केट की वजह से लग भी रहा था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ ये कैंपस है कोई हॉस्टल का, जैसा आईआईटीज में रहते हैं। तो फाइनली कैंपस की यादें ताज़ा होते हुए मज़ा आ रहा है। एक तो क्या है ना कि आप सिटी से बाहर हो तो हवा भी अच्छी है यहाँ की, बिल्कुल सर एकदम नेचुरल है, और जो स्ट्रेस मुझे वहाँ बच्चों के चेहरे पे दिखता है ना, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे वो नहीं चीज़ दिख रही, यहाँ सब मस्त अपना खेल रहे हैं और सारे अचीवर अच्छे लीडर बैच के छोड़ रहे हैं। यहाँ तो ट्रैफिक का इतना इशू है, तो सिटी में तो दिन भर उसी का आवाज आता है। हाँ जबरदस्त है यार, सही माहौल है। फिलहाल लोग हमें अच्छे से देख रहे हैं क्योंकि ऐसे कमी आते होंगे। मेरा माइक लग रहा है मोबाइल के ऊपर, तो अब जो लास्ट वीडियो में साउंड आ रही होगी वो अच्छी आ रही होगी पहले के कंपेयर में। चलो और चीज़ें देखते हैं। हाँ तो भाई एक ज़बरदस्त चीज़ अभी पता चली कि यहाँ पे अगर रात को 8 बजे से ऊपर होते ही लड़कियों को कैंपस में घूमना अलाउ नहीं है। हाँ गर्ल हॉस्टल से अलाउ नहीं है। एलएन के सीपीओ जो होते हैं, जैसे एलएन के सीपीओ जो पर्सनल की पुलिस है। अच्छा पर्सनल पुलिस है यहाँ पे एलएन की? सीपीओ बोलते हैं। अच्छा सीपीओ सेमी गवर्नमेंट, तो वो
इनको मतलब इनको अलाउ नहीं है लड़कियों ये तो भाई। अब मुझे है ना पूरा मेरा कैंपस लग रहा है, जैसे मैं रुड़की से हूँ तो रुड़की में भी हमारे यही होता था कि कैंपस में रात को 8 बजे के बाद लड़कियाँ अलाउ नहीं होती थी। फिर ये है कि कैंपस में, हालांकि वो बात अलग होती थी, ये चीज़ यहाँ भी होती होगी कि फिर लड़के सारे रात को कैंपस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही खड़े दिखते होंगे 7:30 से 8:15 तक। लड़कों का भी मैक्सिमम हॉस्टल में 10 के बाद बंद हो। वो क्या होता है कि एक वो होता है कि दोस्त है ना, सारे ग्रुप होते हैं, वो अपने अपने ग्रुप में जो भी गर्ल्स होती है उनको उनके कैंपस तक छोड़ने जाते हैं, तो ये चीज यहाँ भी चलती होगी हमारे कैंपस में भी बहुत। गर्ल्स का मतलब 8 तक और बॉयज का 10 तक। अच्छा, 10 के बाद यहाँ सब खाली है? हाँ, 10 के बाद खाली है। तो हमें भी पकड़ लेगी क्या पुलिस 10 के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब अदर्स को 12 बजे के बाद पकड़ लेगी। अच्छा, 12 बजे के बाद अगर हम भी यहाँ घूमेंगे तो भैया यानी गेट में एंटर करने नहीं देगा, फिर हमें निकलना है तो बिल्कुल वो भानगढ़ वाला मैटर है कि टाइम से निकल लो वरना रात में पुलिस पकड़ लेगी। चलो बढ़िया, अच्छी अच्छी चीज़ें पता चल रही है। अभी तो कैंपस एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और अभी कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो फाइनली हम सब गाड़ी में हो गए हैं लोड, और अब कहाँ जा रहे हैं हम, कौन से ब्लॉक में? जी ब्लॉक। जी ब्लॉक गर्ल्स ब्लॉक तो नहीं है? नहीं सर, बॉयज गर्ल्स दोनों। तभी गाड़ी में सब बैठ गए जो उसके साथ है। बढ़िया भाई, सही मजा है यार कैंपस में ऐसे। अब यहाँ के यार बच्चों की खासियत ये भी है ना, सबको पता है क्या करना है, क्योंकि यहाँ जो लड़का रह रहा है उसको सब पता अपनी लाइफ के बारे में। चाय सुट्टा बार आ गए हैं। किस किस के खाते खुलते हैं यहाँ पे? है भाई अगला बता। तो सिंगल वाले ही जाते हैं भाई, सीएसबी छोड़ के हर जगह है सर का। और ये है रोमिनोस, ये रोमिनोस आ गया, ये क्रीम लैंड कैफे भाई, ये तो वास्तव में यानी के ये फ्लैट है, ये बाइक रेंट पे मिलती है सर इधर, बाइक भी रेंट पे मिलती है। और क्या चाहिए यानी कि डायवर्जन के लिए सब सुविधा है, बस अब तुम रैंक निकाल के दिखाओ, ये सब रोकने के लिए बैठे हैं। अरे ये 4-5 लड़कियां घूम रही हैं अभी, इनको सीपीओ क्यों नहीं? अच्छा ये वार्डन भी आई है साथ, ये अच्छा वार्डन है, ये वार्डन, ये जो बुजुर्ग हैं ये वार्डन। अच्छा अच्छा, ये मेडिकल शॉप है, कमल जी का मेडिकल शॉप, ये एम्स, एम्स रेसिडेंस हॉस्टल है, एम्स हॉस्टल है, एम्स हॉस्टल सर, ये डुप्लीकेट एम्स है। अच्छा ये एम्स हॉस्टल है, गर्ल्स का लग रहा है तभी सब एक्साइटेड हो गए एकदम, है ना? एक आई गायब इसमें, बाबा का बुलडोजर आ गया, सही बात है भाई। ये सर ये रियल पर्स, ओरिजिनल पर्स है, तुम मुझे नहीं घुमाने लाए थे, एक्चुअली इसका चक्कर काटना चाहते थे इसके बाद। अब यहाँ से सर सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा आपको, अच्छा इसलिए आगे ट्रक खड़ा कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब रिवर्स करेंगे तो तुम्हें उतना ज्यादा टाइम और मिलेगा, उतर के भी तुम लोग क्रॉस कर सकते हो, वहां तक पैदल आ सकते हो। नहीं ट्रक हटवा देते हैं। अच्छा, निकाल लेते ना, इधर से निकलेगा क्या? निकल जाएगा, निकल जाएगा, देख लो भैया, तो पूरा खोल रखा है ये अमन रेसिडेंसी से। एनएल के फ्रेंड गए क्या आगे? ज्ञानोदय है। हाँ तो क्या बता रहे थे यार तुम? ये मिनी दुबई में यहाँ जूस पीने में, बजरंग जूस में गाँव का प्लॉट बिक जाता है, बहुत महंगे जूस रहते हैं यहाँ पे। ये भाई वो सामने जूस है, और ये जूस वाले का जूस पीने पे गांव का एक प्लॉट बिक जाता है। बच के रहना, शेक किसी ने ट्राई किया तो गांव बिक जाता होगा, पूरा अंदर से शेक हो जाता है शरीर फिर। इतना भंग, इसे शेक ट्राई मत कर लेना, गांव भी बिक जाएगा। हाँ तो फिर आप कहानी सुना रहे थे हमारे मंगलम की, मंगलम की कहानी। कौन है मंगलम ये हम नहीं जानते, मंगलम की कहानी आप सुनाने जा रहे हो, बताओ क्या है? हाँ एक टाइम पे घर वाले तैयारी बहुत मतलब ड्रॉप हो गए, तो फिर खर्चे वर्चे बंद कर दिए, घर बुला ले कि आओ स्विच कर लो किसी और प्रोफेशन में, तो बंदे मतलब अड़ा रहा कि नहीं मेरे को MBBS ही करनी है, तो फिर वो घर वाले पैसे उसे बंद करिए कर दिए कि जहाँ से मर्जी अपना खर्चा चलाओ, फिर बंदा स्ट्रगल किया, कोचिंग वोचिंग है, छोटे छोटे ट्यूशन व्यूशन दे के अपना खर्चा मेंटेन करता था, फिर अभी अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहा है, अच्छा फैकल्टी है, डॉक्टर नहीं मगर एक अच्छा टीचर बन। हाँ अब डॉक्टर प्रोड्यूस करेगा, कर ही रहा है, कर भी दिया तो उसने। कोटा में बहुत लोगों की कहानी है। हाँ। कई रेस्टोरेंट के ओनर बन गए। हाँ एक इंस्पिरेशनल है स्टोरी, तो कोटा के टीचर भी ऐसे जनरेट होते हैं। बैठने वाला टीचर। हाँ
तो अभी हम कौन से चौराहे पे आ गए? ये है पीएमसी बोलते हैं इसको। अच्छा, कौन सा? पीएमसी फुल नेम है पिया मिलन चौराहा। पहले फुल नेम क्या है? पिया मिलन चौराहा। पहले लड़के लड़कियां यही मिलते थे ज्यादातर, जब ये डेवलप नहीं था तो। अभी डेवलप हो गया तो आसिक उधर, यानी भटकता आसिक को देख लो उधर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई है तो जो नादान परिंदे वो उड़ गए। हाँ, अभी उड़ गए वो, कोने कोपचे में अपना जगह उन्होंने घोंसला बना रखा है उधर आसिक। तो फाइनली हम सब घूम कर आ चुके हैं, आ जाओ भाई इधर ही सभी एक बार। तो आज अच्छा खासा हमारा वीलॉग हुआ है, और हमारे जो करता धरता है, जो सारथी हैं, वो वीडियो में आते नहीं है तो हम कैमरा घुमा देते हैं। तो पूरा घूम कर अच्छे से आए, बड़ा मज़ा आया, नो डाउट बहुत अच्छा लगा मुझे। यानी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कॉलेज के दिन याद आ गए यहाँ पर आके, और मैं पूरा, मेरी विशेष आपके साथ है, अच्छे से पढ़ाई करूँ, अगली बार आऊँ तो कुछ पूछ भी लेना, मैं न्यूमेरिकल मत पूछना वो मन नहीं करता हमारा बताने का, ज्ञान की बातें बहुत चीज़ें हमारे पास, बहुत चीज़ों में बातें करो। बाकी ज्ञान तो तुम लोगों ने ज़्यादा दिया है मुझे, आज गाड़ी में उठा के डालूंगा एक एक शॉट डालूंगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई सभी के लिए बाय।